बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। माय नेम इज मिशकीला तालिब एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सो टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन यूज अ डेस्कटॉप पब्लिशर सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसको आपने स्टार्ट किस तरह से करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लिक करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद यहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है एंड देन एट द लास्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2007। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस अपियर होगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास इस वक्त जो वर्जन है वो है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये वर्जन है मेरे पास 2007। ये देखें, आपके पास कोई भी हो सकता है और उसका इंटरफेस भी चेंज हो सकता है, ठीक है। उसका आपके पास 2010 हो सकता है या कोई और, तो उस हिसाब से उसका इंटरफेस कुछ चेंज होगा। तो मेरे पास फिलहाल ये है, तो इस पर हम ट्राई करेंगे। तो बेसिकली ये जो डेस्कटॉप पब्लिशर है ये हम यूज क्यों करते हैं? सो डेस्कटॉप पब्लिशर इज बेसिकली यूज टू डिजाइन न्यूज लेटर्स, न्यूज कवर्स। आपने अगर कोई बैनर डिजाइन करना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, या कैलेंडर डिजाइन करना है, या कोई भी न्यूज लेटर, न्यूज पेपर, इस तरह से पोस्ट कार्ड वगैरह क्रिएट करने हैं, तो हम मोस्टली डेस्कटॉप पब्लिशर को यूज करते हैं, ठीक है। इसको यूज करना बहुत ईजी है और इट्स वेरी ईजी। एंड आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ खेल सकते हैं और इसमें आप कोई भी चीज बहुत ईजीली आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी फ्रेंडली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप इस साइड पर देखें तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर कुछ, ठीक है, यहाँ पे एक बार है जिसमें मेरे पास टाइटल बार है। टाइटल बार में मेरे पास यहाँ पर जो सेम होता है हमारे पास कुछ फंक्शंस है, उनको हम बाद में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास नजर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, ब्लैंक पेपर साइज, अवार्ड सर्टिफिकेट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें आपके पास इस तरह से पेज अपियर होगा, ठीक है। इसमें से आप किसी पर भी अगर क्लिक करें, मैं अगर बैनर पर क्लिक करती हूँ तो बैनर मेरे पास इस तरह से उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। मैं फिलहाल अवार्ड सर्टिफिकेट्स पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। आप लोग अक्सर जब फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स डे, इवन जब स्पोर्ट्स डे होता है तो स्पोर्ट्स डे में आपको जो रेसेस होती है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ईजी है उनको क्रिएट करना। उनको क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम डेस्कटॉप पब्लिशर की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, टेम्पलेट्स हैं। अवार्ड सर्टिफिकेट्स के ये मेरे पास क्या है, टेम्पलेट्स है। मैं सिंपली इस पे किसी पर भी क्लिक करूंगी, लाइक इस वक्त मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। ये यहाँ पर मेरे पास अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हो, कोई कलर चेंज कर सकते हो। लाइक ये ग्रीन और मैरून कलर अपीयर हो रहा है तो मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, ठीक है। पर्पल में मुझे अगर कलर पसंद है, या कोई और कलर पसंद है स्काई ब्लू टाइप में, या कोई और, ठीक है। तो आप उस तरह से कोई भी अपनी कलर की यहाँ से स्कीम खुद से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से अगर ये चूज कर लूँ, ठीक है। और तो आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर कलर चूज किया और यहाँ से आप चाहें तो इसका जो है फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट मतलब आपका जो टेक्स्ट होगा वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप इजीली इसको चूज कर सकते हैं। और एट द एंड आपने इस पर क्या क्लिक करना, क्रिएट। ये आपके पास एक ऑप्शन अपियर हो रही है, क्रिएट, आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना। फिलहाल अभी मैं इसको क्रिएट नहीं कर रही हूँ, तो अभी हम देखेंगे और इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। और हमारे पास ऑप्शन है बैनर, हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। बैनर इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड ईजी, ठीक है। ब्रोशर हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइक आप चाह रहे हैं कि आप अपने फादर के बिजनेस के लिए एक कार्ड डिजाइन करें, तो आप सिंपली इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से डिजाइन करके, इसका कलर चूज करके, और सिंपली इसका क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्कूल के कार्ड होते हैं वो भी हम इसके थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैलेंडर डिजाइन करना चाह रहे हैं और ईमेल डिजाइन करना चाह रहे हैं, ये आपके पास इसमें काफी ऑप्शंस मिलेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से देखना है और सर्च करनी है कि आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रही हैं और आप किस चीज को, किस कार्ड को सबसे अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैन्यू लिस्ट मिलेगी, न्यूज लेटर, ठीक है। मैं जिस पर क्लिक कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड यहाँ पर मेरे पास टेम्पलेट्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ कि हम पेपर को, जो हमारे अक्सर प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं कि आपने कोई बोर्ड वगैरह डिजाइन करनी है या कोई कप वगैरह, तो हम उसको किस तरह से फोल्ड करके डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पोस्ट कार्ड हम डिजाइन कर सकते हैं,
ये आपके पास, और वेबसाइट का अगर मेन पेज डिजाइन करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप इसके हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिशर की हेल्प से। इस वक्त फिलहाल मैं ये चूज कर लेती हूँ अवार्ड सर्टिफिकेट्स, और यहाँ पर आपने सिंपली क्या कर देना, क्रिएट पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज अपीयर होगा। एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मेरे पास इस वक्त डेस्कटॉप पब्लिशर, ये जो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, इसका मेरे पास 2007 वर्जन है, ठीक है। आप चाहें अगर आपके सिस्टम में 2010 है तो आपको इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, ग्रे वाला एरिया या आपको इस साइड में मिलेगा, और मतलब उसमें कुछ फीचर्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर 2007। तो यहाँ से भी आज आप क्या कर सकते हो, अपने पेज के ऑप्शन, कलर की स्कीम चेंज कर सकते हो। अगेन आप अगर करना चाह रहे हो, ठीक है, ये मैंने चेंज कर ली, इस पर अगेन क्लिक करें। फॉन्ट स्कीम, आपकी जो राइटिंग है उसका क्या स्टाइल है, लाइक मैं ये चूज करना चाह रही हूँ, तो देखिए यहाँ से मैं राइटिंग स्टाइल और ये आपके पास सर्टिफिकेट की ऑप्शन है कि आपको पेज साइज क्या है, अगर आप पेज साइज पेज यूज करना चाह रहे हैं, ये यूज करना चाह रहे हैं, एक पोर्ट्रेट, इस तरह से आपको चाहिए। तो मोस्टली आपने देखा होगा आपका इस तरह से लैंडस्केप फॉर्म में आपको ये मिलेगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है स्पोर्ट्स डे वाला। तो आप यहाँ से कोई भी पेज ऑप्शन आप अपने यूज कर सकते में आपको करना क्या है, आपने देखना है कि मैं न्यूज लेटर, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अपीयर हो रही हैं और उसको हम किस तरह से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम प्रॉपर न्यूज लेटर को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, और आपने फिलहाल इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू लेना है इसको यूज करके, ठीक है। पिक्चर्स किस तरह से ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे मूव किस तरह से करवा सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए आपने देखना है, इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, और इसमें देखना है हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सो डेस्कटॉप पब्लिशर बेसिकली होता क्या है, इसमें आप कर क्या सकते हैं, आप इसमें कोई भी न्यूज़लेटर, कोई भी डिजाइन वगैरह इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत फ्रेंडली। आपने सिंपली, आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली डिजाइन बने होते हैं, आप सिंपली क्या करते हैं, इसमें अपना डाटा इंसर्ट कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको रेस करूँगी, यहाँ पर मैं अपना टाइटल दे दूंगी, यहाँ पर और यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ, या कोई लोगो इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपने इसकी और से देख लें, इस तरह से एलिमेंट्स इंसर्ट कर।